जैसा कि ज्यादातर जो लोग हैं हमारे हिंदुस्तान में, उनका जो बचत का नियम है वो इस तरह है कि कमाई माइनस खर्चा इक्वल टू बचत। यानी कि पहले जो कमाई आई उसमें से खर्चा किया, उसके बाद यदि कुछ बचा तो उसे अपनी सेविंग में रखा, उसे अपनी बचत में रखा। तो दोस्तों ज्यादातर लोगों के साथ होता क्या है, कमाते हैं, अच्छा कमाते हैं, बाकी जो पैसा आता है उसे खर्च कर देते हैं, कुछ बच नहीं पाता है, कुछ सेविंग नहीं हो पाती है, होती भी है तो नाम मात्र थोड़ी बहुत। दोस्तों जो सही नियम है बचत का वो इस तरह है कि कमाई माइनस बचत इक्वल टू खर्चा। यानी कि पहले जो कमाई आई 20-25-30 हज़ार महीना जो भी आप कमा के लाते हो, उसमें से 5 हज़ार 10 हज़ार जो भी आप अपने हिसाब से जो बचाना चाहो पहले आपने वो बचाया, उसके बाद जो पैसा बच गया आपने उसे खर्चा किया। और बचत आप अपनी रिटायरमेंट में, अपने बच्चों के एजुकेशन में, आप अपने बच्चों की मैरिज के लिए आप बचत करते हो। दोस्तों जो इससे भी शानदार जो एक मतलब बचत का नियम है वो इस तरह है, कमाई माइनस बचत माइनस इन्वेस्टमेंट माइनस खर्चा। यानी कि आपने जो पैसा कमाया उसमें से पहले आपने बचत करी अपने रिटायरमेंट के लिए, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, बच्चों के मैरिज के लिए, उसके बाद उसमें से थोड़ा कुछ पैसा आपने इन्वेस्ट किया, उसके बाद जो पैसा बचा आपने उसे अपने खर्च में लिया।